शुरुआत कब से हुआ था ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 2008 से हुआ था। अच्छा, जब 2008 से हुआ था उस टाइम पर विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स, RR जिसे अभी जानते हैं, राजस्थान रॉयल्स जो है यह विजेता था उस टाइम पर 2008 में। पहली बार जीता, उसके बाद आज तक नहीं जीता। इस बार तो फाइनल में भी गया लेकिन फाइनल हार गया। 2022 की बात करें, 2022 में जो है विजेता कौन रहा है? गुजरात टाइटंस, अमित शाह की बेटा जीते गुजरात टाइटंस। इसके कप्तान कौन है? इसके तो हार्दिक पांड्या मुंबई इसके कप्तान है। बात करें हार्दिक पांड्या कप्तान है, विजेता बना है। उपविजेता का समझिए गए कौन है? राजस्थान। उपविजेता है राजस्थान। इसमें का दो अब राजस्थान के कप्तान कौन है? तो संजू सैमसन। सैमसन इसके कप्तान हो गए। बात करें 2022 में जो है प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला? तो हार्दिक पांड्या को ही मिला है प्लेयर ऑफ द मैच। यह जो है 3 विकेट लिया और 17 रन दिया। 3 विकेट लेकर 17 रन दिया, इसीलिए प्लेयर ऑफ द मैच मिला। बात करें IPL 2022 में जो है पर्पल कैप किसको मिला? पर्पल कैप ये किस लिए दिया जाता है? तो सबसे ज्यादा विकेट के लिए, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है ना उसको पर्पल कैप देते हैं। मिला किसको? युजेंद्र चहल जो है इसको मिला है। टोटल ये 27 विकेट लिया था। हाँ, 27। उसके बाद बात करें ऑरेंज कैप, जोस बटलर। ऑरेंज कैप जो है ये किसको मिला है? जोस बटलर को मिला। सेकंड ऑरेंज कैप KL राहुल। जोस बटलर यह जो कितना रन बनाया था? 800 लगभग है, 834 रन के आसपास में बनाया था। तो IPL 2022 15वां संस्करण था, शुरुआत 2008 में हुआ। उस टाइम पर विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स। तो इसके कप्तान उस टाइम पर कौन थे? तो इसके जो कप्तान थे उस टाइम पर थे शेन वॉर्न, जिसका अभी हाल ही में मौत हो गया। ऑस्ट्रेलिया के थे शेन वॉर्न। कार एक्सीडेंट में जो है मौत हो गया, इसी महीने में हुआ। तो राजस्थान IPL से सबसे ज़्यादा यदि क्वेश्चन आएगा ना तो शेन वॉर्न के बारे में आएगा। किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया के। ये क्वेश्चन फिक्स है जो यदि आएगा IPL से तो इससे उठाने की 100% चांस है। तो यार आज का उपविजेता कौन था? बेंगलोर का। किसका? RCB का। आज के उपविजेता राजस्थान 2008 के, वहाँ पर डेक्कन चार्जर्स को था जो 2009 में जीता था उस टाइम पर था। लेकिन उतना कन्फर्म नहीं, लेकिन आपसे विजेता ही पूछेगा। उतना पुराना वाला में से उपविजेता कौन था ये सब चीज़ नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा विजेता कौन था यदि पूछना होगा तब। अब हम बता देते हैं कौन कब कितना बार जीता था। तो देखिए सबसे ज़्यादा जीता है मुंबई इंडियन, 5 बार जीता हुआ। कब कब जीता हुआ है? 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020। ये 5 बार जीता हुआ है सबसे ज़्यादा मुंबई इंडियन। इसके कप्तान कौन है? रोहित शर्मा है, सभी जानते हैं। सचिन था पहले, अभी की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, पहले रहा हो। लेकिन अभी कौन है मुंबई इंडियन के कप्तान? रोहित शर्मा। दूसरे नंबर पर जो है ना सबसे ज़्यादा कौन जीता है? CSK चेन्नई सुपर किंग। महेंद्र सिंह कप्तानी 4 बार। कब कब जीता है? 2011, 2018 और 2021। ये 4 बार जीता। तो सबसे सफल कप्तान IPL में रोहित शर्मा, 5 बार विजेता रहे हैं अपने टीम को जिलाए। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स जिसके कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह
धोनी अभी भी थे इस आईपीएल में, तो पहले तो बनाया गया किसको, सबको खरीद कर किसको बनाया गया था, तो रविंद्र जडेजा को, लेकिन फिर बना दिया गया 6-2 मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी को फिर कैप्टेंसी दे दिया गया। तो एक बार फिर से आईपीएल के बारे में देखें, आईपीएल 2022 जो है जीता कौन है, 15वां संस्करण था, जीता है गुजरात टाइटंस। शुरुआत कब हुआ था, 2008 में। विजेता कौन था उस टाइम पर, राजस्थान रॉयल्स, जिसके कप्तान कौन थे, शेन वॉर्न। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। इस बार जो 2022 में हुआ है उसके विजेता कौन थे, कौन हुआ है, तो गुजरात टाइटंस। कप्तान कौन है, हार्दिक पांड्या। उपविजेता कौन है, राजस्थान हुआ है जो सबसे पहली बार विजेता था, और कप्तान अभी राजस्थान के कौन थे, संजू सैमसन। पर्पल कैप किसको मिला, युजवेंद्र चहल को 17 विकेट के लिए। ऑरेंज कैप किसको दिया गया है, जोस बटलर को। उसके बाद जो है आईपीएल में और किसी के बारे में बता दें जो जीता हुआ है, जैसे कोलकाता हो गया। उपविजेता कौन रहा था, राजस्थान। शुरुआत कब से हुआ, 2008 से। उस समय विजेता कौन था, राजस्थान, जिसके कप्तान कौन थे, शेन वॉर्न थे। उसके बाद बात करें पर्पल कैप इस बार 2022 में किसको मिला है, युजवेंद्र चहल को। कितना विकेट लिए थे, 27 विकेट। ऑरेंज कैप किसको मिला है, जॉस बटलर। कितने रन बनाए थे, 834-35 रन बनाए थे। तो ये आईपीएल का कुछ क्वेश्चन था। अब बात करें